यार दोस्तों, क्या आप अभी भी जो है वो रेंट वाले रूम में रहते हैं? तो अब समय आ गया दोस्तों, आप अपना घर बनवाइए। जानकारी देने के लिए दोस्तों पूरी तरीके से मैं लगा हुआ हूँ, मात्र 30 फीट बाई 30 फीट। आपको कहीं नक्शा बनवाने भी नहीं जाना है, नक्शा भी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। 30 फीट बाई 30 फीट का अगर आपके पास ज़मीन है, बहुत ही बेहतरीन घर किस तरीके से आप बनवा सकते हैं। तो ये घर को देख करके आपको लग रहा होगा ये तो ज़्यादा है, 30 फीट क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, घर एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जगह जो है वो पार्किंग के लिए। ठीक है, तो घर बस इतना ही जगह में बना हुआ है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आपको ले चलता हूँ घर के अंदर। दोस्तों यही वो पार्किंग वाला जगह है जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप दोस्तों जो है वो एक्सटीरियर डिजाइन वगैरह अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार, या फिर मेरे अलग अलग वीडियो को देख कर दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों इस घर का एंट्रेंस बहुत ही शानदार है दोस्तों, और आपको मैं यही सलाह दूंगा 4.5 फीट के दोस्तों अगर आपके पास में जगह है ना मेन गेट के लिए, तो इस तरीके से डबल पल्ला वाला दोस्तों जो है वो आप भी अपना मेन गेट बनवा सकते हैं। तो चलिए मेन गेट से लिए चलता हूँ आपको अंदर। ये हो गया इस घर का हॉल। ठीक है, हॉल हो गया दोस्तों, ये घर का हॉल हो गया। लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों गेस्ट रूम है, बाथरूम चाहिए गेस्ट रूम में, बाथरूम बिल्कुल मिल रहा है। और ये एक बेडरूम हो गया गेस्ट के लिए। ठीक है, वार्डरोब वगैरह का भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है दोस्तों। एक वार्डरोब में फर्नीचर का काम करवाने में दोस्तों 20 से 25 हज़ार लगता है, इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। अगर 7 फीट बाई 3 फीट का है तो 20 से 25 हज़ार आराम से फर्नीचर के काम में लग जाएंगे। अब दोस्तों इस तरीके से गेस्ट रूम से मैं निकल रहा हूँ। ये कितना लगा है इस वाले दरवाजे को बनाने में, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गया, तो उस चीज़ को जा करके देख सकते हैं दोस्तों। ये बाथरूम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये गेस्ट रूम के लिए, अटैच के लिए भी काम कर सकता है दोस्तों, और कॉमनली जो है वो जो लोग हॉल में हैं वो भी इस वाले बाथरूम का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दोस्तों ये वाला बेसिन एरिया है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सीढ़ी रूम है, और अलग से एक सेकेंडरी एंट्रेंस दिया गया है। जो भी फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे या फिर दोस्तों रेंटर वगैरह रखने के लिए सेकेंडरी एंट्रेंस दिया गया इस तरीके से। सीढ़ी आप देख सकते हैं, सीढ़ी का डायमेंशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाला जा चुका है। इधर से हमारी इंटरव्यू थी, गेस्ट रूम हमने दिखा दिया दोस्तों आपको, ये हॉल है। हॉल के बाद दोस्तों ये वाला एरिया जो है वो डाइनिंग एरिया का है, और अगेन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम है। ठीक है, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे दोस्तों अगेन जो है वो बेडरूम आप देख सकते हैं। ऊपर में दोस्तों आप सीलिंग लाइट वगैरह को भी देख सकते हैं, इंस्टॉल किया जा चुका है। फैन बॉक्स में फैन लगाना अभी बाकी है। तो चलिए अब यहाँ से निकलता हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों इस तरीके से किचन भी दिखाऊंगा। इधर एक बेडरूम है दोस्तों, और ये वाला जो है वो पूजा रूम है। ये बगल में पूजा रूम, चलिए मैं आपको किचन दिखा सकता हूँ। ठीक है, किचन में आपको मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये है इस घर का किचन, यहाँ पे ये किचन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह का ध्यान रखा गया है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सिंक बिल्कुल एंट्रेंस के पास में। ये वाला जगह जो है वो स्टोरेज रूम जो है वो किचन के लिए बनाया जा रहा है। अगेन दोस्तों किचन के लिए एक स्टोरेज बॉक्स का भी निर्माण किया गया है। किचन में भी देखेंगे दोस्तों सीलिंग लाइट का उपयोग किया गया है। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेसिक और ज़रूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।